सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हो पहले ही बता देता हूँ। आई थिंक सभी जबरदस्त मस्त अच्छे बढ़िया और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे, अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो देख लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के, आपके लिए मे बी हेल्पफुल हो जाए, सो डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। एंड कोस्ट गार्ड के एग्जाम आज से लगभग 10 दिन बाद है भाई, आज 17 तारीख है आपका, अगर 28 तारीख को तो फिर तो 11 दिन बाद है। तो क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। कोस्ट गार्ड का जो सबसे धुआंदार, जिसे बोलते धुआं फेंका देने वाला, धुआं मतलब कि हक्का बक्का ऐसा पेपर में समझ में नहीं आ रहा है कैसा, वो वाला सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ। अब बोलोगे इतना भाई हाइप है, ऐसा कुछ हाइप हाइप नहीं है, पेपर आप दोगे मैं नहीं, लेकिन भाई आपको मुझे वार्न करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस कर लेना। कौन से चैप्टर पढ़ सकते हो, किस टाइप का पेपर, कैसा पेपर आ सकता है। बेसिकली मैंने ये ऑलरेडी आप सभी के साथ में शेयर कर दिया है कि कोस्ट गार्ड जो ऑफिशियल वेबसाइट वाला पेपर है, आप वो मॉक जरूर लगा लेना। उस मॉक को लगाने के बाद होगा क्या कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का पेपर आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज एक पेपर मैंने खुद देखा है, मेरा जो सबसे फेवरेट बुक था जब मैं अपना प्रैक्टिस वगैरह करता था, तो उसमें एक मॉक मिला मुझे, ठीक है। एक नहीं, इसमें सारे के सारे मॉक ही ऐसे हैं जो धुआंधार हैं। एक मॉक आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा, लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए। इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में नहीं, कहाँ पर फॉरवर्ड करूंगा, कैसे करूंगा, देखो मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ। अगर आपने GD का फॉर्म फिल किया तभी वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि GD के जो एस्पिरेंट होंगे वो उनको GD का पेपर तो देना ही पड़ेगा, और आपके पास 15 मिनट का टाइम होगा 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अब 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने टाइम है कितना, 15 मिनट। सो 15 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं 25, जिसमें आपको 3 से 4 लगभग 5 न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, बाकी सब थ्योरेटिकल होंगे। लेकिन थ्योरेटिकल में भाई इतने ईजी नहीं होंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, हीटर का तार किसका बना होता है, या शुद्ध चालक की प्रतिरोधकता किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, ताप बढ़ाने पर किसी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, या विमा बता दो या फिर उसका मात्रक बता दो, दाब सदिश राशि है कि अदिश राशि, इतने जी क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपको मैं वार्न करना चाहूँ, बताना चाहूँ, ठीक है, पेपर थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल का आता है। अगर आपने एयरफोर्स का पेपर दिया ना, उससे भी थोड़ा सा अप लेवल का आता है इसका। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट बता रहा हूँ पहले से ही आपको कि जब पेपर दोगे ना तब पता चलेगा। नेवी डबल ए का पेपर दिया तो बस उसी टाइप का आपका आता है पेपर, ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए, आपको फिजिक्स थोड़ा अच्छे से कर लेना, फिजिक्स में थोड़ा सा अच्छे से कमांड कर लेना, बाकी कोई दिक्कत देने वाली सी नहीं। आपके पास 10 दिन का समय, मैं कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक मॉक भी खुद प्रोवाइड कराऊंगा आपको टेलीग्राम पे। आप मुझे स्कोर बताना कितना रहा, अगर आप जो मैं मॉक मैं दूंगा ना उसमें अगर 15+ करो एग्जाम में भाई 18+ कर दोगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 6 पे तुक्का भी मार देना, लेकिन उस पर अच्छा स्कोर जाना चाहिए। मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम बताता हूँ, इनको तो जरूरी आप कर लेना, जैसे कि वर्क पावर एंड एनर्जी फेवरेट चैप्टर है, इससे भी फेवरेट चैप्टर है ग्रेविटेशन वाला, पेपर में लिख के लो, आपके जो शिफ्ट में होगा उसमें उससे क्वेश्चन पक्का आने वाला है ग्रेविटेशन चैप्टर से। वर्क पावर एंड एनर्जी आप चैप्टर लिख सकते हो, इलास्टिसिटी आप चैप्टर लिख सकते हो जिसे आप प्रत्यास्था बोलते हो, यूनिट एंड डायमेंशन से मे भी एक क्वेश्चन आपको विमा का देखने को मिल जाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे तो पूरे के पूरे टॉपिक्स कवरअप होते हैं। मैंने और जैसे कि वेव्स वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हो, वेव्स एंड साउंड वाला चैप्टर पढ़ सकते हो, हीट जिसे आप थर्मोडायनामिक्स बोलते हो उसमें आपको पढ़ने होंगे कि किसके क्या लाभ, मतलब ऊष्मागति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और शून्यवा नियम पढ़ सकते हो। गेट से क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, जो मेन 3 गेट हैं और एंड नॉट, ये वाले आप पढ़ सकते हो। आज थोड़ा सा पढ़ सकते हो PNPN NPN ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। बाकी आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक भी है, मैंने लास्ट टाइम मंगाई थी आप लोगों के रिव्यू के लिए। अभी कोई बोलेगा इसका PDF बना के दे दो, यार इसका PDF पॉसिबल नहीं है, इसमें 400 पेजेस हैं, ठीक है। और ये बुक ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको इसमें ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है। अब जैसे मैं बायोलॉजी के लिए बोलता हूँ, तो बायोलॉजी के लिए आपको कुछ भी पढ़ने के लिए बायोलॉजी की साइड पे रख दो यार, क्योंकि बायो के ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे वो भी DB वाले पे, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे वो भी DB वाले पे, आप उन पर तुक्का मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं, अगर प्रिपरेशन है तो अगर करना है तो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ विटामिन पढ़ लेना, विटामिन तो क्वेश्चन बन के आ सकता है, DCH के बारे में क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आप ये पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी और इसमें हेल्थ एंड डिसेज के बारे में दे रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बस एसिड एंड साल्स, इतने 4 चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी इसके चक्कर में मत पढ़ो, आप अपने 10 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो मैंने आपको कुछ बोले, वेव्स एंड साउंड, हीट एंड टेम्परेचर, लाइट को आप छोड़ सकते हो, लाइट पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आएगा तो कर लोगे, मोशन एंड फोर्स, ग्रेविटेशन, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी वाला,
चैप्टर, बस ये दो चार पांच चैप्टर भाई अच्छे से कर लेना। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका फोटो खींच के ए वाले पांच छह चैप्टर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा पर्सनल में। और सबसे बड़ी बात, आपको करना क्या, पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेंड करने, जहां भी मॉक लगा रहे हो अपने मन से लगाते रहो, अच्छी बात है। लेकिन ये वाला जो मैं मॉक फॉरवर्ड करूंगा ना आपको 25 क्वेश्चन का, जब भी मेरा अच्छा स्कोर आता मैं इस वाले मॉक को लगा के अपने आपको खुद को डिमोटिवेट करने के लिए ये वाला मॉक लगा लेता था। होता क्या था इस पे, मतलब एक क्वेश्चन हार्ड होते, जब हार्ड होते हैं तो फिर जहां आप अच्छे पॉजिटिव लाइक कहीं पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइक परीक्षा ऐप में मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपका 20 स्कोर आ रहा है, ठीक है, 25 में से 20 स्कोर मैंने इससे लगाया भाई, 16 इस नंबर आया, तो यार 16 नंबर आ रहे हैं तो फिर और फिर फिजिक्स लूसेंट की ओर भर के चलो और पढ़ते हैं, इस टॉपिक पे पढ़ते हैं। अच्छा ये मेरा क्वेश्चन इस शिफ्ट का यहाँ पे गलत हुआ था, तो उस चीज पे फोकस करेंगे। वैसे ही आपको थोड़ा सा करना है तो मैं आपको एक मॉक फॉरवर्ड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का नाम ऑनलाइन एजुकेशन है, सर्च करने से भी आ जाएगा, 26.7 के लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें से आ जाना। बाकी ऑनलाइन प्रैक्टिस आप जहाँ पे भी कर रहे हो कर लेना, परीक्षा मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आप सभी को, डेफिनेटली आप सभी के लिए बेस्ट है। 20 टेस्ट आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेना वहाँ पे जाके, ठीक है, परीक्षा पे ओपन कर लेना, टेस्ट सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, कोड वगैरह का ऑप्शन है, कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपके पास 10 दिन का समय है, 20 ऑनलाइन मॉक लगा लोगे, आपको अपनी रैंकिंग, और सबसे बड़ा क्या होता है टाइम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर मनली वन थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू। अगर आप उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, आप एग्जाम पे फोड़ के आने वाले हो। बाकी आपका जो भी फिजिक्स रिलेटेड या कुछ भी डाउट बन रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। बाकी एनी क्वेरी डेफिनेटली टेल मी इन कमेंट सेक्शन, वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन मॉक जरूर लगा लेना, अपने आपको जज कर लेना कि आपका स्कोर पहले कितना आ रहा है, पेपर में कितना आएगा, और अपना एक कट ऑफ सेट कर लेना, 70 नंबर का टारगेट सेट करना कि मुझे 70 लाने 110 में, ठीक है। बाकी थैंक यू एंड डू शेयर इफ यू लाइक इट, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ये बात मैंने बहुत बार बोल दी, फिर से मैंने बोल दी है।